तो भाई जैसे ही हम लोग एंड्रॉयड मल्टी टूल से किसी फ़ोन को अनलॉक या फ्लैश करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, बोलते हैं एक्सप्लोटिंग डिवाइस फॉर ब्रोम एक्सेस फेल। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है, काफ़ी लोगों को समझ ही में नहीं आता है भाई ये प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करने वाला हूँ और आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ भाई ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसका क्या सोल्यूशन है। छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले तो मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरे एक क्लाइंट है जिनके पास एक फ़ोन है रेडमी 6 है, उसका MI अकाउंट करना था तो मैंने सोचा कि एंड्रॉयड मल्टी टूल से ओपन अनलॉक कर देता हूँ। तो मैंने एंड्रॉयड मल्टी टूल को ओपन किया और यहाँ से लॉग इन करके मैंने रेडमी 6 को सिलेक्ट किया और यहाँ से रीसेट MI अकाउंट करने की कोशिश की। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रीसेट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया और मैंने इनको बोला कि फ़ोन को ऑफ करके वॉल्यूम प्लस में प्रेस करके डाटा केबल कनेक्ट कीजिए, और जैसे ही इन्होंने फ़ोन को कनेक्ट किया यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई जिसमें बता रहा था एक्सप्लोडिंग डिवाइस फ्रॉम ब्रोम एक्सेस फेल, मतलब यहाँ पे ब्रोम का एक्सेस ही नहीं दे रहा था, फेल्ड आ जा रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पे हिंट में बता रहा था USB DK नॉट इंस्टॉल कांट प्रोसीड विथ ब्रोम एक्सप्लॉइट, मतलब आपके PC में USB DK ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आप ब्रोम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली गाइस जैसे हम लोग किसी फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो उसमें LIB USB ड्राइवर इंस्टॉल होना जरूरी है, सेम टू सेम वैसे ही इस टूल को यूज करने के लिए आपको USB DK ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी है। इसमें आपका LIB USB ड्राइवर तो इंस्टॉल होना ही चाहिए, साथ ही साथ एक USB DK ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो सिंपल सा मैं एक ड्राइवर दूंगा USB DK ड्राइवर, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इनके PC में यहाँ से मैं USB DK ड्राइवर को ओपन कर लेता हूँ। गाइज इसमें दो रहता है, ड्राइवर है ये 64-bit के लिए आता है और 32-bit के लिए आता है। तो जो भी आपका PC हो उसमें इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल से आपको बिट चेक करने के लिए PC के ऊपर जाना है, यहाँ से प्रॉपर्टी को देखना है और आपका दिखा देगा सिस्टम टाइप 64 है या 32 है। तो मेरा यहाँ पे 64 है तो मैं यहाँ से ड्राइवर को ओपन कर लेता हूँ और 64-bit वाला ड्राइवर को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। को इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा आपको अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद फिर से आपको एक्सेस करना है। जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो मेक श्योर इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद PC को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से इनके PC को रीस्टार्ट कर लेता हूँ और फिर से मैं TeamViewer कनेक्ट करता हूँ। PC रीस्टार्ट करने के बाद गाइस आपको एक बार अपने फ़ोन को ऑन कर लेना है नॉर्मली, उसके बाद फिर से प्रोसेस करना है। तो मैं इनको बोल दूंगा फ़ोन को ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ मैं यहाँ से एंड्रॉयड मल्टी टूल को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं फिर से यहाँ से अपने जो मॉडल है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस मॉडल में काम कर रहा है, आप किसी भी मॉडल में ट्राई करेंगे तो प्रोसेस यही होगा। तो यहाँ से जैसे मेरा रेडमी 6 था तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं रीसेट MI अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं इनको बोल देता हूँ भाई फ़ोन को ऑफ करके वॉल्यूम प्लस में प्रेस करके डाटा केबल लगा दीजिए, क्योंकि ब्रोम मोड में वैसे ही कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने फ़ोन को प्लस में प्रेस करके डाटा केबल लगा दिया और देख सकते हैं यहाँ पे MediaTek का पोर्ट आ गया है, जो यहाँ पे आपका एक्सप्लोडिंग डिवाइस के ऊपर फेल आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।